मास्क बनाने के लिए जो अशिया आपको दरकार हैं वो ये हैं: कॉटन का कपड़ा, कैंची, धागा, मेजरिंग टेप, पेंसिल और सिलाई मशीन। सबसे पहले कॉटन के कपड़े पर 8 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई का निशान लगा लें। और फिर इसे काट लें। कटे हुए टुकड़े को दूसरे कपड़े पर रखकर उसी साइज में काट लें ताकि एक ही साइज के दो टुकड़े मिल जाएं। दोनों टुकड़ों को एक दूसरे पर रखकर लंबी जानिब से 1/4 इंच अंदर की जानिब मोड़कर इस तरह सिलाई करें और यही स्टेप दूसरी जानिब भी दोहराएं। कपड़े की पतली पट्टियों को 16 इंच लंबाई में नाप कर इस तरह काटें। अगर पट्टी चौड़ी हो तो दरमियान से काट कर अलहदा पट्टियां बना लें। अब पट्टियों को अंदर की जानिब मोड़कर इस तरह से सिलाई करें। इसी अमल को दोहराते हुए 4 पट्टियां तैयार करें। चौड़ी साइड को लेकर दोनों कोनों में पट्टियों को अंदर की जानिब इस तरह डालकर सिलाई करें। दूसरी जानिब भी यही अमल दोहराएं। मास्क के चारों कोनों में पट्टियां कुछ इस तरह से लगाइए। अब मास्क को दरमियान से फोल्ड करके क्रीज बिठाएं। कुछ इस तरह से कोनों को पकड़कर 3 प्लीट्स बनाएं। और दोनों साइड से सिलाई करें। पट्टियों को मजबूत करने के लिए चारों कोनों पर भी सिलाई करें। और अब आपका मास्क तैयार है। कपड़े का मास्क इस्तेमाल करने से पहले ये इत्मीनान जरूर कर लें कि मास्क मुकम्मल तौर पर साफ है। इसलिए ये जरूरी है कि मास्क पहनने से पहले उसे अच्छी तरह साबुन या डिटर्जेंट और पानी से धो लें। मास्क पहनते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि मुंह और नाक पूरी तरह ढक जाएं। मास्क उतारते वक्त मुंह, नाक और आंखों को छूने से सख्ती से गुरेज करें। इस्तेमाल के बाद मास्क को बाकायदगी से पानी और साबुन या डिटर्जेंट से अच्छी तरह धोएं और कुदरती तौर पर खुश्क होने दें।